उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में दिनांक 20 मार्च 1958 को डॉक्टर शशिकांत जी का जन्म हुआ था। उनके पिता श्री कृष्णकांत जी भारतीय रेलवे में ऑडिटर के पद पर कार्यरत थे। डॉक्टर शशिकांत 5 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। उनकी माता जी श्रीमती कमला देवी जी ने सभी बच्चों को उत्तम संस्कार व शिक्षा से पोषित किया। उनका बचपन मुगल सराय में अपने परिवार के साथ बीता। प्राथमिक शिक्षा मुगल सराय में ही हुई। ईस्टर्न रेलवे इंटर कॉलेज से 1976 में उन्होंने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1976 में ही उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में MBBS कोर्स के लिए प्रवेश लिया। MBBS कोर्स सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरांत उन्होंने 1986 में सामुदायिक चिकित्सा विज्ञान में MD डिग्री हासिल की। वर्ष 1996 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज विभाग से अपनी MBA डिग्री तथा वर्ष 1998 में अप्लाइड एपिडेमियोलॉजी में मास्टर्स डिग्री ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया से पूर्ण की। वर्ष 1992 में उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के सामुदायिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवा का आरंभ किया। वर्ष 2005 में वे प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत हुए तथा 2016 में विभागाध्यक्ष बने। डॉक्टर शशिकांत एम्स नागपुर की गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं तथा प्रतिष्ठित विश्व स्वास्थ्य संगठन के साउथ ईस्ट एशिया जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ के एडिटोरियल बोर्ड के मेंबर हैं। महामारी विज्ञान शिक्षण व प्रशिक्षण यानी कि एपिडेमियोलॉजी टीचिंग एंड ट्रेनिंग उनकी विशेष रुचि का क्षेत्र है। HIV एड्स एनीमिया पोषण व नैदानिक परीक्षण आदि उनके अनुसंधान के विषय रहे हैं। अपने कार्यकाल में वे कई शोध कार्यों के प्रमुख अन्वेषक रहे। भारत सरकार के नैको द्वारा संचालित HIV एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के डॉक्टर शशिकांत एक प्रमुख स्तंभ है। वे नेशनल टेक्निकल रिसोर्स ग्रुप ऑन HIV सर्विलांस तथा कोर ग्रुप ऑन HIV एस्टिमेशन के सदस्य हैं। वर्ष 2018 में HIV एड्स के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। भारत सरकार के कई स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों में वे तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। एम्स में उन्होंने टेलीमेडिसिन सुविधा के फैकल्टी इंचार्ज के रूप में कार्य किया तथा वे एथिक्स सब कमेटी के मेंबर भी रहे। वे COVID-19 नेशनल टास्क फोर्स के सदस्यों में से एक हैं। उनके विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा पत्रिकाओं में 200 से अधिक लेख प्रकाशित हुए हैं। 2011 से 2021 तक डॉक्टर शशिकांत कॉम्प्रिहेंसिव रूरल हेल्थ सर्विसेज प्रोजेक्ट CRHSP बल्लभगढ़ के प्रोफेसर इंचार्ज रहे। अपने अनुभव व कौशल का उपयोग कर उन्होंने बल्लभगढ़ अस्पताल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। सर के कार्यकाल में बल्लभगढ़ केंद्र में नए छात्रावासों तथा नई OPD बिल्डिंग का निर्माण हुआ। PHC छायसा और PHC दयालपुर में रोगियों के लिए आधुनिक सुविधाओं का निर्माण कराया। रोगियों के साथ उनका विशेष लगाव है, इसलिए उनके इलाज के लिए बल्लभगढ़ अस्पताल में कई प्रकार की सुविधाएं तथा रोगियों को मुफ्त में औषधि वितरित करना सुनिश्चित किया। उन्होंने गर्भवती महिलाओं के लिए इंजेक्टेबल आयरन का टीका शुरू किया, जो कि एनीमिया के उन्मूलन के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान था। महिलाओं के लिए प्रसव की अच्छी सुविधा सहज व निःशुल्क उपलब्ध हो, यह भी सुनिश्चित किया। वे स्वयं OPD में रोगियों को देखते थे। उनकी पॉलिसी व विजन की वजह से ही बल्लभगढ़ अस्पताल आसपास के क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय हुआ। सर के मार्गदर्शन में हमारी दोनों PHC व बल्लभगढ़ अस्पताल को अनेक बार कायाकल्प अवार्ड प्राप्त हुआ तथा वे NQAS द्वारा मान्यता प्राप्त भी है। 1984 में डॉक्टर शशिकांत का विवाह डॉक्टर शीला कांत से हुआ। मैडम पेशे से डॉक्टर है व म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में चीफ मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। सर की सफलता में मैडम ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है। उनके सहयोग से ही वे जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़े हैं। एक सफल पेशेवर डॉक्टर होने के साथ साथ वे अपने परिवार की प्यार से देखभाल करने वाले पति व पिता भी है।
अपने काम के प्रति समर्पण के बारे में डॉक्टर शीला कांत कहती है कि आई कॉन्ग्रेचुलेट शशि ऑन हिज वेल डिजर्व्ड एंड वेल अर्न्ड रिटायरमेंट फॉर हिज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टू हिज ऑफिस. ही हैज वर्क वेरी हार्ड थ्रू आउट हिज कैरियर एंड ही वॉज सो बिजी दैट ही वुड लीव द हाउस एट 7:30 AM इन द मॉर्निंग एंड ओनली टू कम बैक इन द इवनिंग फॉर टी ब्रेक एंड then again he will come back only for dinner. So now at least he will have some free time to spend with the family and whatever he wants to do in his life he can do. And I wish him good luck and happy and very healthy retirement life. Dr. Shashikant sir ki beti Swati kehti hai, my father's universe revolves around his department. He is always in office, whether it's Sundays or holidays. Thankfully, he doesn't bring his work home. I think his favorite part of the day is editing his students' theses. So I hope he's able to find something to occupy his time post-retirement. Dr. Shashikant ke sahayogi, Dr. Sanjay Rai kehte hain ki unke kuch strength hain jo jiske hum kayal hain. Jo sabse bada unka strength hai, wo critical input dena chahe wo किसी भी एकेडमिक एक्टिविटी हो, जनरल क्लब हो, रिसर्च एक्टिविटी हो, पेपर प्रेजेंटेशन हो, उसमें जो उनका क्रिटिकल इनपुट होता है उसका कोई जवाब नहीं है. नेशनल प्रोग्राम्स में उनका जो क्रिटिकल इनपुट होता है, स्पेशली HIV AIDS रिलेटेड प्रोग्राम में, वह जो है सिंस बिगनिंग उसमें इन्वॉल्व रहे हैं HIV AIDS कंट्रोल प्रोग्राम में. और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, बार बार इस बात का जिक्र भी करता रहता है अपने किसी भी प्रोग्राम में कि डॉक्टर शशिकांत का जो योगदान है वह अविस्मरणीय है. तो डेफिनेटली उनकी बहुत ही कमी खली जाएगी, शायद जो है वह रिक्तता को भर पाना बहुत ही मुश्किल होगा. विद्यार्थियों के शब्दों में उनके अनुभव इस प्रकार है. As a junior most in the department, we all have met you only once, sir. But we have already heard a lot of stories about what our seniors have learned from you. And I'm sure that we'll hear more and we will learn from that too. Sir is an inspiration always. His punctuality, his attention to details and his rigor for knowledge has always been a drive for all of us in the department. I have been very fortunate to be a student of Shashikant sir, as he has been a co-guide for my thesis. And initially I used to be very scared of sir, to be honest. But as time passed, I realized how supportive and how kind he is to the students and how much he is working for our development. And his impeccable communication, his attention to the minutest details, his skill in organizing any program or event will continue to inspire us throughout our learning and throughout our career. We all feel very blessed to work under your guidance. सीनियर रेजिडेंट में शायद मेरा सर के साथ में सबसे कम समय का टाइम स्पैन रहा, बट इस कम समय में भी मैंने सर से बहुत कुछ सीखा. एंड मुझे अभी भी याद है कि जब मैं पहली बार अपॉइंटमेंट के बाद सर से मिला था, तो सर ने मुझे सबसे पहली जो सीख दी थी कि कोई भी चीज़ हो तो उसे दबा के नहीं रखना है, प्रॉब्लम बड़ी हो उससे पहले बता देना. And somehow I always used to, try to solve the things on my own. And until it gets out of my hand, I used to take help from the outside. And sir somehow already, know this particular thing. And he has given me this advice, which is like a really important life-changing advice for me. On the behalf of residents, sir, we all wish you a happy and prosperous life ahead. Thank you, sir. Karmanye vadhikaraste ma phaleshu kadachan. माँ कर्मफल हेतुर्भू माते संगोष्ठव कर्मणि. भगवद गीता के इस श्लोक में कहा गया है कि केवल कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल में नहीं. इसलिए तुम फल की दृष्टि से कर्म मत करो. और फल की इच्छा ना रखने का अर्थ यह भी नहीं है कि तुम कर्म करना ही छोड़ दो. इसी तरह डॉक्टर शशिकांत का जीवन एक कर्मयोगी का जीवन प्रतीत होता है. उन्होंने नैतिकता को हमेशा सर्वोपरि रखा. वो अपनी अंतरात्मा की आवाज तथा सत्यनिष्ठा को सर्वोच्च स्थान दिया. एक अच्छे शिक्षक, अच्छे डॉक्टर तथा अच्छे प्रशासक के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान कायम की है. विभाग प्रमुख के तौर पर उनका संदेश हमारे लिए महत्वपूर्ण है. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली इज द बेस्ट मेडिकल स्कूल इन द कंट्री.
I was fortunate to have studied here for my graduate and postgraduate medical degree. I also feel blessed that I got an opportunity to serve my alma mater as a faculty member for more than 30 years. My faculty colleagues at Center for Community Medicine at All India Institute of Medical Sciences are recognized leaders in their chosen niche areas. They individually attract research grants which often runs into 7 or even 8 figure sums. Collectively, they have published more than 80 research papers every year consistently for the last many years. Under their leadership, postgraduate students of community medicine are taking very challenging thesis topics. And therefore, I feel that the department is doing reasonably well. The incumbent head of department, Professor Sanjeev Gupta, is an accomplished person. I hold him in high regards. I take comfort that the headship would pass on to a very safe pair of hands. As I bid adieu to all of you, from the bottom of my heart, I express thanks for your cooperation, kindness, love and affection. I wish all of you to have great success and the Center for Community Medicine to receive greater heights in coming days. Thank you very much. हम CCM परिवार की ओर से डॉक्टर शशिकांत को जीवन की दूसरी पारी की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अच्छे स्वास्थ्य, सुख समृद्धि व खुशहाली से लाभान्वित करें।